नमस्कार दर्शकों, ये MNS न्यूज नेट और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीम। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। भारत की मेजबानी से चीन को लगी मिर्ची, G20 समिट पर देने लगा ज्ञान। अमेरिका ने चीन को भारत के साथ अपने मुद्दों को अलग रखने और दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन से पहले स्थिति बिगाड़ने वाले की भूमिका निभाने का आरोप लगाया था। इस पर चीन की तरफ से पलटवार किया गया है। बीजिंग ने अमेरिका और वेस्ट पर केवल खुद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। चीन ने ग्लोबल टाइम्स के एक आर्टिकल में दावा किया है कि पश्चिम वेस्ट का ध्यान रूस यूक्रेन संघर्ष पर केंद्रित है, न कि आर्थिक सुधार और बहुपक्षीय कूटनीति पर। G20 अध्यक्ष के रूप में भारत इन्हीं मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना चाहता है। यह बयान ऐसे समय आया है जब भारत में तमाम विदेशी मेहमान G20 के लिए एकजुट हुए हैं। हालांकि चीन की तरफ से प्रधानमंत्री ली क्यांग भी भारत पहुंचे हैं। अमेरिका पर बरसा चीन। इस आर्टिकल में कहा गया है कि अमेरिका और वे जो अक्सर दावा करते हैं कि वे भारत के साथ खड़े हैं, उन्होंने G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले देशों के बीच मतभेदों को बढ़ावा देने की बहुत कोशिश की। G20 शिखर सम्मेलन में चीन को रचनात्मक भूमिका निभाने की अमेरिकी NNS जेक सुलिवन की सलाह पर तीखी प्रतिक्रिया में चीन ने कहा, शिखर सम्मेलन से पहले वॉशिंगटन ने बेवजह चीन को चेतावनी जारी की और उससे स्पॉइलर की भूमिका न निभाने की अपील की, लेकिन चीन के बदले यहाँ अमेरिका का नाम होना चाहिए। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। क्या देश का बदल गया नाम? G20 में PM मोदी, आगे नेम प्लेट पर इंडिया की जगह भारत लिखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत भाषण के साथ आज शनिवार को 2 दिवसीय G20 शिखर सम्मेलन की शुरुआत हो गई है। हालांकि इस सम्मेलन की सबसे खास बात यह रही कि मंच पर पीएम मोदी के सामने लगाए जाने वाली कंट्री नेम प्लेट पर इंडिया की जगह भारत लिखा हुआ था। देश में पिछले कुछ दिनों से इंडिया की जगह भारत का नाम करने की चर्चा चारों जोरों पर चल रही है। इससे पहले G20 शिखर सम्मेलन को लेकर भेजे गए निमंत्रण पत्र में भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया था, जिसकी वजह से देश का नाम बदलने जाने की चर्चा छिड़ गई है। सोशल मीडिया पर भी इसको लेकर लोग अपने अपने तर्क लगा रहे हैं। नाम बदलने को लेकर लगातार विरोध कर रहे विपक्षी दल, यही नहीं विपक्षी दलों की ओर से भी इंडिया की जगह भारत नाम लिखे जाने पर मोदी सरकार को घेरा गया है। विपक्षी दल केंद्र सरकार के देश का नाम बदल कर देश का भारत के जाने का कवायद को लेकर लगातार आलोचना कर रहा है। कांग्रेस नेता और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस पर कहा कि विपक्षी दलों की गठबंधन इंडिया नाम से जब से गठबंधन बना है, इनकी चूल्हे हिल गई है। विपक्षी गठबंधन से ये लोग इतने घबरा गए हैं कि अब आप भारत नाम लिख रहे हैं। इससे पहले केंद्र सरकार ने कुछ दिन पहले भारत नाम के साथ एक बुकलेट जारी किया था। यह बुकलेट पीएम मोदी के इंडोनेशिया में होने वाले भारत आसियान सम्मेलन में शामिल होने से जुड़ी थी। इसमें भी पीएम मोदी को इंडिया के प्रधानमंत्री की बजाय भारत के प्रधानमंत्री लिखा गया था। भारत आसियान सम्मेलन से जुड़े बुकलेट भी भारत का जिक्र, राष्ट्रपति के निमंत्रण के बाद भारत का जिक्र, केंद्र शासित मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मंगलवार को G20 सम्मेलन के दौरान रात्रि भोज में शामिल होने के लिए भेजे गए निमंत्रण पत्र को सोशल मीडिया पर साझा किया, जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा हुआ था। G20 सम्मेलन के दौरान रात्रि भोज के लिए भेजे गए निमंत्रण में भारत नाम लिखा गया है। अफ्रीका यूनियन बना G20 का सदस्य। पीएम मोदी ने आतंकवाद इकोनॉमी पर कही बड़ी बात है। इसी तरह असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरनी ने भी सोशल मीडिया पर इंडिया की जगह भारत नाम किए जाने का समर्थन करते हुए कहा कि देश का इंग्लिश का नाम क्यों होना चाहिए। उन्होंने भी रिपब्लिक ऑफ भारत लिखा। इंडिया गठबंधन का नाम भारत बदलने को तैयार, इंडिया की जगह भारत नाम किए जाने को लेकर विपक्षी नाखुश है। इसी कार्यक्रम में नेशनल क्रम कॉन्फ्रेंस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अमर अब्दुल्ला ने 3 दिन पहले कहा था कि विपक्षी गठबंधन अपना इंडिया नाम बदलने को तैयार है। यदि इस नाम की वजह से केंद्र देश का नाम इंडिया की जगह नाम भारत करने योजना बना रही है, तो साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि संविधान में देश के नाम के रूप में इंडिया और भारत दोनों का जिक्र किया गया है, लेकिन इंडिया नाम को नहीं हटाया जाना चाहिए। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर MNS न्यूज TV डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखेगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रही MNS न्यूज TV पर। नमस्कार।
न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज़।